मेरी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है, बहुत सारा कोनी कोनी तक निवेदन है कि वो एयर लिफ्ट करे। पार्श्वभूमीवर आम्ही युक्रेन मध्ये शिकण्यासाठी गेलेल्या एका मराठमोळे विद्यार्थ्याशी संवाद साधतोय। आम्हाला तेवढी काळजी नाही, आपण घरच्या लोकांना खूप काळजी आहे, नेहमी दररोज कॉल देत असतो, त्यांचा विचारत असतात काय बाबा काय सुरू आहे हे सर्व गोष्टी। म्हणून या प्रॉब्लेम पासून बाहेर निघण्यासाठी एकच म्हणजे असा आहे की आम्ही पण सुद्धा घरी पोहोचावं। पण सध्या नेमकं जसं आता एवढे विद्यार्थी आपण आहोत, त्यांचे पण लोक आहेत, पण तेवढे समावेश होणार नाही त्यांचा मध्ये, पण तेवढी जसं ते आपल्या लोकांची केअर करतील त्या पद्धतीने आमची केअर होईल हे आपण सांगता येत नाही। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही माजेपी स्ट्रीट पे यहाँ पे बंकर बने हुए थे, बहुत सारे वहाँ पे हमला किया इन्होंने, जहाँ पे हाइड्रोलाइटिक पाइप और बिजली और पानी का सब की सप्लाई होती थी पूरे इवानों में, वहाँ पे उन्होंने हमला किया है ताकि गांवों में शहरों में बिजली और पानी की दुविधा आन पड़े। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस भी फायर वर्कर की तरह काम कर रही है यहाँ पर, वो सब इमरजेंसी चालू हो गई है। तो जैसा कि आप देखोगे बाहर का पूरा वातावरण आपको धुआं धुआं नजर आ रहा है, बच्चे साइकिल घोड़े घोड़ी सब दौड़ रहे हैं, और इंडियन स्टूडेंट के लिए खासकर मेरी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है, बहुत सारा कोनी कोनी तक निवेदन है कि वो एयर लिफ्ट करे, क्योंकि जितनी भी फ्लाइट है एयर इंडिया की वो सारी वापस हो गई है, और यूक्रेन में नो फ्लाइट जोन लग गया है। तो हमारी दरख्वास्त है सरकार से